धरनावदा से छपरा को जोड़ने वाला मार्ग हादसों का अड्डा बना हुआ है, जहां से अगर कोई भी वाहन आता और जाता है तो वो एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर जाता है। धरनावदा से गुजरने वाली सड़क जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है, अभी तक कई गाड़ियां उस कुआनुमा गड्ढे में गिर चुकी है। कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं, बाइक सवार इस दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, कई चार पहिया वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सड़क को लेकर स्थायी कार्य नहीं किया है। ये सड़क अति बारिश और बाढ़ के कारण टूट गई थी, जिसमें अस्थायी रूप से कच्ची मिट्टी और कुछ गिट्टियां डाली गई है। एक साइड से अस्थायी रूप से इसको चालू कर दिया गया था, लेकिन इस सड़क पर स्थायी कोई भी कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। ये रास्ता मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा को जोड़ता है और ये दो महीने पहले अधिक वर्षा के कारण ये रास्ता बह गया था और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही शासन द्वारा, और आए दिन इसमें हादसे हो रहे हैं। कई चार पहिया वाहन दो पहिया वाहन अक्सर गिर जाते हैं और प्रशासन द्वारा इसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ऐसी हादसा हो रहा है, दो महीने से ये टूटा हुआ रोड पड़ा हुआ है, आए दिन गाड़ी गिर रही है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही शासन द्वारा। मतलब बह गया था, कट गया था, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर अक्सर लोग गिरते रहते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है और बहुत परेशानियाँ झेल रहे हैं। कृपया इसकी कुछ सुनवाई करें। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।